और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आगामी 16 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में नगर स्थित जीजीआईसी सभागार में अपर जिला अधिकारी चंद्र सिंह मर्तोलिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और केंद्र व्यवस्थापक समेत परीक्षा से जुड़े अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने नकल विहीन परीक्षा कराने, परीक्षा में सभी नियमों का पालन कराने, दिव्यांग परीक्षार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। और इस बार हाई स्कूल में कुल 18,287 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा के लिए कुल 118 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 22 केंद्र संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। आज ये परिषदीय परीक्षा 2023 के विषय में हमारे जिलाधिकारी महोदय की जो अध्यक्षता में बैठक होती है, उसमें हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, केंद्र व्यवस्थापक, कस्टोडियन सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समय हमारे 118 परीक्षा केंद्र हैं और सारे ही परीक्षा केंद्र मिश्रित हैं, एकल कोई नहीं है। और इसमें इनको सबको ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो नकल विहीन परीक्षा के संबंध में बताया गया है, इसके बाद ये कहा गया है कि आप लोग जो बोर्ड परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले, जब जिस दिन पेपर होगा 16 मार्च से पेपर प्रारंभ है, तो आप लोग एक तो जो इनको दैनंदिन दी गई है निर्देशों को भली भांति पढ़ लें और सुनिश्चित हो लें कि क्या क्या निर्देश इसके संबंध में दिए गए हैं।